हर हर महादेव, जय जय शिव शक्ति। साथियों, आज हम काशी वाराणसी की नगरी में उन भारसियों, जिन भारसियों का ताम्रपत्र, कभी वो शिलालेख जो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था, जैसा आप देख पा रहे हैं, उसी की तलाश में आज हम दशाश्वमेध घाट पे आए हैं। और मैं अभी राजेंद्र जो घाट है, यहाँ से मैं नीचे उतर के गंगा जी का आपको दर्शन करा रहा हूँ। हम देखेंगे कि वो घाट पे जो पहले दशाश्वमेध जिसे कहते हैं, दस अश्वमेध यज्ञ करने वाले भारसियों का जो बोर्ड पहले लगा हुआ था, वो अभी वर्तमान समय में है कि नहीं। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये दशाश्वमेध घाट बगल में मानसिंह द्वारा बनवाया गया एक, आप देख रहे हैं, किला के रूप में आज भी उपस्थित है। अब साथियों, आगे हम चलते हैं उस जो अभी एक दशाश्वमेध घाट पे लिखा हुआ है एक बोर्ड, देखते हैं क्या वो पुराना जो भाई मैं दिखा रहा हूँ है या नहीं है, उसमें क्या लिखा है। चलिए वहाँ चलते हैं। ये वही दशाश्वमेध घाट जो हमने दिखाया, उसकी जगह ये नया बोर्ड लगा है। इसमें देखिए लिखा है, मत्स्य पुराण में वर्णित ब्रह्मा द्वारा संपन्न दस अश्वमेध यज्ञों के कारण इसका नाम जो है क्या पड़ा है, दशाश्वमेध घाट पड़ा। अब आगे इसमें कहा जा रहा है कि 1775 ईस्वी में अहिल्याबाई होलकर ने इसका जो है पक्का निर्माण करवाया था। ये तो हो नया बोर्ड है, अब पुराना बोर्ड जो आपने देखा, और ये नया भी लगा है। तो अब आगे हम देखते हैं कि एविडेंस, सरकारी दस्तावेजों में जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो गजेटियर्स हैं वाराणसी का, उसमें क्या लिखा है, हम वह देखते हैं। और आपने अभी देख लिया कि कैसे इसके साथ छेड़खानी हुई है, पहले क्या लगा हुआ था और अब क्या लगा है। चलिए हम उस दस्तावेज की तरफ देख पा रहे हैं चित्र में, यह है उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गजेटियर। आप यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, और आप उत्तर प्रदेश का लोगो भी देख पा रहे हैं, वाराणसी, और लिखने वाली कोई और नहीं जो ईसा बसंत जोशी, हमारे देश की आईएएस अफसर थी, उनके द्वारा यह गजेटियर लिखा गया है। और यह पब्लिश खुद गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश के द्वारा 1965 में यह रिलीज हुई है। यानी उत्तर जो गजेटियर जो होता है, देखिए यह उत्तर प्रदेश सरकार का गजेटियर है, इससे बड़ा कोई प्रूफ तो हो नहीं सकता है। अब इसमें क्या लिखा है, आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाराणसी का यह नक्शा दिया हुआ है। आप जैसा कि ये अशोक चिन्ह लोगो आप देख पा रहे हैं। अब आगे चलिए, देखिए पेज नंबर 35 पे वाराणसी का जो उत्तर प्रदेश का गजेटियर है, 35 पे आप देखिए यहाँ पर स्पष्ट मैंने मार्किंग किया हुआ है। यहाँ पे बकायदे गुप्त काल से लेके यहाँ पे जो नागाओं के बारे में, जो भारसी नागा थे, कैसे उनकी राजधानी वाराणसी से लेके कांतिपुरी मिर्जापुर में यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे लास्ट में देखिए, आप देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, दिस भार शिवा नागास आर सेट है परफॉर्मेंस, देख रहे हैं अश्वमेधा हॉर्स, जैसा कहा जाता है घोड़े का, मतलब एक जो पहले घोड़े के माध्यम से छोड़ा जाता था, उसका एक अश्वमेध किया जाता था। तो वो कह रहे हैं, ऑन द बैंक ऑफ भागीरथी गंगा एंड लाइकली दैट, देख रहे हैं, परजेन साइड दशाश्वमेध घाट इन वाराणसी। आप देखा जा रहा है जो प्रेजेंट में दशाश्वमेध घाट है, जैसा मैंने जो भी आपको दिखाया वाराणसी में, यह किसके लिए जाना जाता है कि भारसी नागा थे जिन्होंने दस अश्वमेध यज्ञ किया था। यहाँ पे देखिए कहीं ब्रह्मा जी का नाम नहीं है। अब साथियों सवाल यह है कि ब्रह्मा जी, हमारे भारत में ब्रह्मा जी तो कहे जाते हैं कि वो रचयिता थे, मानवों की उत्पत्ति के रचयिता थे, बताइए वो दस अश्वमेध क्या कर रहे थे आके यहाँ पे। साथियों कैसे धर्म के नाम पे आज भी इतिहास के साथ खिलवाड़ किया जाता है, यह आपको वाराणसी में देखने को मिला है। अब मैं आप, अब भारसी कौन थे,
यह सवाल आप लोगों के मन में उठेगा। द वर्जिन ऑफ शिवम एंड द हिस्टोरी तमिलनाडु के आर सुब्रमण्यम साहब ने एक तमिलनाडु से संबंधित जो शिवम एक्ट के ऊपर अलग अलग जगहों के बारे में जानकारी दी है, आप देख पा रहे हैं। और यह एशियन एजुकेशनल सर्विस न्यू दिल्ली मद्रास 2002 में छपी थी। अब देखिए यहाँ पे इसके पेज नंबर 8 पे नागा चीफ के बारे में, नागाओं के चीफ के बारे में, जो एक नागा संघ था उनके बारे में जानकारी देते हुए मैंने यहाँ पे मार्किंग किया है कि वाकाटक और कैसे प्रवंसर और जो है गौतम पुत्री थी, कैसे उनका विवाह होता है आगे विवरण देते हुए, और समुद्रगुप्त गुप्त वंश से जानकारी देते हुए। आप देखिए द भार शिवा मैंने मार्किंग किया हुआ, आप देख सकते हैं द भार शिवा टू फिच भवनागा बिलोंगिंग आर सेड बी रिप्रेजेंट बाई द भर राजपूत। यहां कहा जा रहा है जो तो भार शिवा थे विच बिलोंगे, जो कह रहे हैं कि जो भवनागा उसके भार शिवों के भवनागा वो किससे संबंधित थे, वो कह रहे हैं कि ये जो रिप्रेजेंट उन्हें रिप्रेजेंट भार शिवों को रिप्रेजेंट कौन करते थे, बाई द भर राजपूत द वेयर पावरफुल फैमिली, मतलब जो ये भर वंश थे भर राजपूत थे ये भार शिवों को रिप्रेजेंट करते थे, उनका प्रतिनिधित्व करते थे। साथियों अब मैं आपको सबसे बड़ा एविडेंस और दिखा देता हूं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इसका गलत प्रचार करते हैं। चलिए मैं दूसरा एविडेंस दे देता हूं, फिर चलेंगे उस मुद्दे। मैं इसे कई बार आपको बता चुका हूं, देखिए यह खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश की गई है और यह भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा 1937-38 में इसका वॉल्यूम 24 है। और ये शिलालेखों का जो शिलालेख मिलते हैं उसके आधार पे जो है, ये देखिए एपिग्राफी जो इंडिका है, अब इसके पेज नंबर देख रहे हैं आप 14 पे एक शिलालेख है भार रायस भगदत्ता, जो पहली सेंचुरी में आज से 2020 साल पहले जो शिलालेख मिला था उसमें उसके लास्ट में विवरण देते हुए कहा जा रहा है, देख रहे एस्पेक्ट्स बिटवीन द भार शिवा एंड वाकाटका इज सेम प्रॉब्ली देयर फॉर दैट द भार मेंशन द प्रेजेंट इंस्पेक्शन बिलोंग टू द सेम क्लेन विच कम टू बी नाउ इन लेटर टाइम भार शिवा वेन मेंबर बिकम स्टंच फॉलोअर ऑफ शिवा। स्पष्ट इसका अर्थ यहाँ है कि जो वो शिलालेख प्राप्त हुए थे और दूसरे जो वकाटकों के भार शिवों के और जो ये भार रायस भगदत्ता का, दोनों का मिलान करते हुए पाया गया कि यही जो क्लेन वंश भर वंश था आगे चल के भार शिवा यानी कट्टर शैव के समर्थक होने के नाते इन्हें भार शिव की उपाधि मिली, यही भार शिव कहलाए थे। ठीक है, मैंने आपको दो, अब आपको कुछ मूर्ख है कहेंगे कि राजभर कौन है, ये भार कैसे एक है, चलिए मैं आपको वो भी एविडेंस आगे दिखा देता हूं। आप देखिए यहां पे ये भार शिवों की जो मूर्ति मिली है ये उसी बनारस से मिली थी, ये भारतीय कला भवन में आज भी रखी हुई है, जो बनारस का भारतीय कला भवन है वहां पे रखी हुई है। और यह देखिए, यह देख रहे हैं लेजेंडरी क्रॉनिकल द बिल्डिंग्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, यह भी गवर्नमेंट 1854 कि एक यहाँ पे सर्वे है, इस सर्वे में भी देखिए कहा गया है, देखिए इसी सर्वे में कहा गया है कि द भर्स रीड राजभर्स, अब आप समझ गए होंगे जो भर है वही राजभर है और वही भारशिव नागा थे। ठीक है साथियों, यह मैंने एविडेंस दिखाया है कुछ मूर्खों को उनके जो गलत अफवाह फैलाते हैं उनकी जानकारी के लिए। चलिए हम चलते हैं फिर से, अब मैं आपको फिर वहीं पे लेके आ गया हूँ, वही दशाश्वमेध घाट। अभी आपको जो मैं एविडेंस दिखाए जो खुद सरकार के हैं, अब यहाँ पे किस आधार पे, क्या इतिहास में मत्स्य पुराण जो शिलालेख चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं भार शिव कौन थे, यहाँ पर क्या किया गया है, मत्स्य पुराण का हवाला देकर ब्रह्मा जी, अरे सोचिए ना ब्रह्मा जी कैसा मूर्ख बनाया जा रहा है हमारे धर्म के नाम पर, इतिहास के साथ छेड़खानी करना, ये किसने किसको अधिकार दिया,
यही कुछ लोग आज भी अपने ही देश के इतिहास के दुश्मन है। वो कभी भी नहीं यहाँ के जो यहाँ के वीर, जो यहाँ के इस धरती के लिए रक्षा करने वाले लोग थे, जिनका सच्चा इतिहास है, कौन है वो? कहीं न कहीं दुश्मन हमारे ही देश में थे। देखिए पान खा के बनारसी लोग कैसा ब्रह्मा जी का इज्जत किए हैं, देख रहे हैं आप ना, स्पष्ट ये है, ये हकीकत है, ये सच्चाई है। बाकी तो हमारा मकसद नहीं है, वो हमारे धर्म आस्था से जुड़े हुए हैं, ब्रह्मा जी उनका सम्मान है, परंतु गलत चीजों परोसी जाएगी तो उसका सम्मान नहीं है। साथियों ये जो आप गंगा जी देख रहे हैं, अद्भुत यहाँ का जो एक नज़ारा है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे गंगा जी यहाँ पे आके ठीक सामने से यहाँ पे मुड़ गई है। क्या अद्भुत यहाँ का नज़ारा हमने देखा। तब मैंने वो भारसियों का जो ताम्र पत्र लगा हुआ है आपने देखा, कैसे उसमें वर्णन है कि भारसियों ने गंगा भागीरथी के गंगा जल से अभिषेक कर यहाँ पे स्नान कर दशाश्वमेध किया था, उसी के नाम से तो जाना जाता है दशाश्वमेध घाट। आप देख रहे हैं कि जो अभी सामने के भाग से आप जो देख रहे हैं फ्रंट पे एकदम, देखिए उस साइड में पूरी तरह से खाली है, जो राजघाट जिसे एरिया कहते हैं उस भाग में पूरी तरह से देखिए आधी नदी खाली है, लेकिन इस वाराणसी के साइड में जिसे काशी बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ की नगरी कहते हैं, देखिए कैसे यहाँ एकदम किनारे से बहती हुई, यह अपने आप में एक अलौकिक है। अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ये मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये आप जो देख पा रहे हैं, देखिए एकदम किनारे से लास्ट आप जो देख रहे हैं वहां से सीधे सीधे गंगा जी एकदम टर लेती हुई एकदम बनारस काशी विश्वनाथ को टच करते हुए दशाश्वमेध घाट से आगे जाएंगे। फिर आगे देखिए यहां से आगे आप जो देख रहे हैं, फिर आके वहां पे पूरी तरह से वो आगे एकदम पूरा नदी देखिए, फिर से आगे क्या दिख रहा है, पूरी तरह से गंगा फैल जा रही है। लेकिन इसी जगहों पे इसका एक खासियत है, बहुत कम लोग जानते होंगे, मैं आपको बताया हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें और इस अभियान को सफल करें। फिर से भारसियों का वहां बोर्ड लगना चाहिए, हर हर महादेव।